कस्टम फॉर्मेटिंग, कस्टम फॉर्मेटिंग ये रिकॉर्डिंग का दिया है क्या आपने? जी जी, कस्टम फॉर्मेटिंग का यूज जो होता है विजित जी एंड सौभिक जी, आप जो नंबर टाइप कर रहे हैं उस नंबर को अलग तरह से विजुअल करना, समझे? जैसे कि आप, मैंने यहाँ पे 1500 टाइप किया, बट मुझे 1500 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए MRP 1500, समझे? बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं मैनुअली जो से जैसे भी मैंने टाइप किया है, अगर इसी तरह से मैनुअल मैंने टाइप कर दिया तो प्रॉब्लम होगी कि ये टेक्स्ट में हो जाएगा। हम इस पर किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो नंबर एक्चुअल में नंबर होना चाहिए, बट विजिबिलिटी जो है इसकी वो टेक्स्ट और जैसा मैं चाहूं वैसा होना चाहिए। तो उस केस के लिए हम क्या करते हैं, नंबर फॉर्मेटिंग के कस्टम पे आते हैं और यहां इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी टेक्स्ट या जो भी चीजें डिस्प्ले करना चाहते हैं हम उसको यहाँ लिख देते हैं। जैसे मैं MRP करना चाहता हूँ, मैंने MRP लिख दी। अगर आपने सिर्फ MRP लिख के ओके कर दिया तो आपका सिर्फ MRP दिखेगा, आपका नंबर बिल्कुल नहीं दिखेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मैं नंबर भी दिखना चाहिए, तो MRP के बाद 0 या हैश लगाना होगा। अगर 1 0 या 1 हैश लगाते हैं तो आपका नंबर दिखेगा। अगर आपने इसमें 00 किया तो भी नंबर दिखेगा, लेकिन अगर इसे 5 आपने किया तो 05 हो जाएगा। अगर आपने हैश किया तो फिर 1 हैश कीजिए या 5 कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट उसमें 0 नहीं लगेगा। नहीं नहीं, ये लास्ट में बताइए, 2 0 करने से तो एक डिजिट आपका निकल जाता है या एक जीरो करने? दो जीरो मैंने कर दिया तो 2 डिजिट मेंटेन करेगा। अगर आप 2 डिजिट नहीं लिखेंगे, 1 डिजिट लिखेंगे तो वो आगे 0 लगा के 2 डिजिट मेंटेन कर देगा। और 3 लगाते हैं तो 3 डिजिट मेंटेन करेगा, 3 आगे 2 0 लगा देगा, 1 0 लगा देगा। अच्छा, ओके। तो MRP मतलब हैश, समझ गया मैं। इसमें अपन ने बात की कि हैश करेंगे आगे और बाद में भी हैश करेंगे, या तो फिर 0 के थ्रू भी कर सकते हैं ना। डबल हैश तो क्या करना पड़ेगा, बस ये सिंपल सा मेथड समझिए। आपको अपना टाइप किया हुआ नंबर को शो करना है तो 0 या हैश तो देना ही पड़ेगा। 0 अगर आप देते हैं तो 1 सिंगल 0 देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप डबल अगर नंबर ऑफ जीरो बढ़ाते हैं तो आपके नंबर ऑफ डिजिट यहाँ मेंटेन हो जाएगा। जैसे कि हमने 3 0 किया तो यहाँ पे देखिए 010 आ रहा है ना सर, 10 था, 10 हमने टाइप किया था, उसने आगे 0 लगा के 3 डिजिट मेंटेन कर दिया। ऐसा कुछ नहीं करता है, 1 डाली तब चाहे 15 डाली तब कुछ ऐसा नहीं करता है, ओके? एक्चुअली इसका एक एग्जाम्पल और हम देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 54 रुपीज 63 पैसे मैंने लिखा, इसमें मैं यहां कस्टम पे आता हूं, मैंने यहां पे 1 0 1 हैश दिया और इन्वर्टर को हमें लिखा रुपीज डॉट 00 पैसे, एंटर प्रेस किया, आ गया 54 रुपीज 63 पैसे। क्लियर है? ठीक है सर, ये फिर से दिखाइए प्लीज। तो मैंने यहाँ पे डाला 0 1 हैश और इन्वर्टेड कॉमा में डाला जो डालना है, डॉट 0 0 डाला, डॉट लगाना जरूरी था क्योंकि वो डॉट से डेसिमल को रीड करेगा, और लास्ट में हमने 0 0 और यहाँ पे पैसे दे दिया। तो आप यहाँ देखिए रुपी नंबर के बाद रुपीज आ रहा है और डेसिमल के बाद पैसे आ रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैं यहाँ 00 क्यों नहीं लगाया, मैं यहाँ 00 भी लगाऊंगा कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ पे 5 रुपए 60 पैसे देते हैं तो आपका 05 रुपीज और 60 पैसे आ रहा है, गुड। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ पॉइंट में डालूंगा कि 58 पैसा, तो यहाँ 00 58 पैसा आ जाएगा, जो कि थोड़ा सा देखने में और लगेगा। तो चलिए 0 हटा के हम हैश डाल देते हैं। अब 0 डाल के हैश डालेंगे तो क्या होगा, 0 रुपीज 58 पैसा दिखेगा, ये भी थोड़ा सा खराब लग रहा है देखने में।
तो यहाँ पे आप एक सिंगल जीरो लगा सकते हैं, तो 0 रुपीज 68 पैसा दिख रहा है, गुड है, बट 5 रुपये 64 पैसे में डाला तो 0.5 नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक हैश लगा दिया कि जीरो जो आएगा एक ही आएगा, दो जीरो नहीं आएगा, 0.5 रुपीज 64 पैसा। अगर मैं यहाँ पे 85 पैसा से डालता हूँ तो 0 रुपीज 85 पैसा है। तो इस तरह से हैश और जीरो को कंबाइन भी कर सकते हैं। सौभिक जी और नायर जी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर, डाउट नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमने डॉट जीरो जीरो क्यों किया। देखिए डेसिमल में हमेशा डॉट जीरो जीरो ही करना चाहिए। अगर आपने इसमें हैश हैश कर दिया तो एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी कि जैसे यहाँ पे देखा 9 पैसा दिख रहा है आपको, 80 पैसा डालेंगे तो 8 पैसे दिखेगा, जैसे 89 रुपीज 60 पैसा तो 6 पैसा दिखेगा। इसलिए इस तरह के एग्जाम्पल में आपको डबल जीरो डालना होगा। ओके, अब ये कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं यहाँ अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 4 डिजिट डाला और फिर इस तरह के हैश हैश फिर हैश हैश और फिर यहाँ पे हम नंबर डालते हैं। मुझे इस तरह का देखना है। तो क्या है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपना 8 डिजिट यहाँ पे डालूं और वो हैश हैश ऑटोमेटिकली लग जाए। तो कस्टम में हम आएंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 4 0 दिया, इन्वर्टेड कॉमा में एक्स एक्स स्पेस एक्स 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 और फिर 1 2 3 4। अब यहाँ देखिए इसका एग्जांपल दिख रहा है, ठीक है, हो गया, क्लियर है सर? जैसे एक चीज, बस एक लॉजिक बस बताइए मुझे सुजीत जी, ये अपन ये इन्वर्टेड कॉमा क्यों डालते हैं, मतलब ये सेपरेट करने? इन्वर्टर की क्या क्या है कि इसमें बहुत सारे कोड है, जैसे एट द रेट होगी और भी कोड है, तो अगर आप इन्वर्टर कॉमा नहीं डालेंगे तो ये समझेगा कि इसकी कोई कस्टम पब्लिक समझाया कि नंबर में कोड है, लेकिन आपने इन्वर्टर कॉमा डाल दिया तो समझ गया कि जैसा वैसा प्रिंट करना है। तो सिर्फ इसीलिए नहीं, आगे चल के फॉर्मूला वीपी कोड हर चीज में जब भी कोई अपना हम टेक्स्ट डालते हैं, कोई अपनी जो अपनी वैल्यू डालते हैं कुछ टेक्स्ट वैल्यू, तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में डालना होता है। ओके, समझ गए? ठीक है, तो मतलब आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है तो इन्वर्टेड कॉमा डालिए। जी हाँ, सही समझे। लग रहा है बादाम बहुत खाते हैं आप। जी लग रहा है बादाम बहुत खाते हैं आप। हाँ, बादाम ही खा रहे हैं आजकल। चलिए अब यहाँ पे एक चीज और आती है, नंबर में डाल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अकाउंट नंबर, आप लोग डालते हैं अकाउंट नंबर जनरली 13, 14, 16 डिजिट का होता है, तो आप लोगों को कोई भी नंबर डालते हैं 9, 10, 11 डिजिट तक आपको दिखता है। जैसे 12 डिजिट आप डालेंगे वो नंबर साइंटिफिक फॉर्मेट में होता है। आप चाहते हैं कि नंबर शो, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस कस्टम पे जाइए और एक हैश डाल दीजिए, only for one hash या जीरो, आपका नंबर विजिबल हो जाएगा। बट ध्यान रखिएगा कि आप 13, 14, 15 डिजिट तक का नंबर आपको दिखेगा। जैसे मैं 16वां डिजिट डालूंगा वो बन जाएगा जीरो, 16वां, 17वां, 18वां नंबर डाला, 7, 8, 9 डाला ना सर, यहाँ देखिए 3 जीरो हो जाएगा। मतलब कि एक्सेल के अंदर में आप 15 डिजिट तक का नंबर टाइप कर सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा टाइप करेंगे तो आफ्टर 15 डिजिट जो होगा नंबर वो आपका जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए कि आपकी जो सिस्टम है वो सिस्टम 15 डिजिट तक की मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए एलिजिबल है। इससे ज़्यादा की कैलकुलेशन के लिए ही सुपर कंप्यूटर और बाकी जैसे कंप्यूटर का होता है। इंडियन लास्ट में आपने 15 डिजिट का क्या लॉजिक बताया आपने, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। 15 डिजिट तक ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं।
हाँ करेक्ट, वो क्या कारण से नहीं कर सकते वो पूछ रहा हूँ। आपका सिस्टम बना इसीलिए है, आपका जो रैम, अच्छा अब ज्यादा करना, ज्यादा करना रहेगा, ज्यादा करना रहेगा तो जीरो कर देगा, जीरो कर दिया ना आपको। नहीं नहीं मतलब किसी को करना है फॉर एग्जांपल ज्यादा, इसी के लिए तो सुपर कंप्यूटर बना है। अच्छा हाँ ये वर्ड आपका निकल गया। तो अभी मैं दो चीज समझ रहा हूँ आपसे कि 11 तक डिजिट आने के बाद वो आपका डैश दिखाने लगेगा, तो उसके लिए आपको इन्वर्टेड कॉमा या जीरो लगाना पड़ेगा, तो जिसके कारण पूरा डिजिट दिखेगा, ठीक है। प्लस 15वां के बाद आप करेंगे तो वो जीरो दिखाएगा, तो 15 तक आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कोई भी, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट जो भी करना जी। सही समझ रहा ना? जी सही समझ रहा। मतलब कि आपकी जो आपका जो एक्सेल है उसकी लिमिटेशन है 15 डिजिट की कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अच्छा ऐसे मान लीजिए 15 डिजिट हमें यहाँ, देखिए 15 डिजिट हमने यहाँ डाला डाला सर। अब मान लीजिए मैं इसमें मल्टीप्लाई बाई ए करता हाँ। अब इसकी सेम फॉर्मेटिंग में डाल देता हूँ, साइंटिफिक फॉर्मेट में आ गया ना सर हाँ। यहाँ पे मैं फॉर्मेट प्रिंटर से प्रिंट कर देता हूँ, देख रहे हैं डिजिट बढ़ा तो जीरो जीरो। तो आप भले ही माने कि बहुत लंबा कैलकुलेशन करें लेकिन 15 डिजिट के बाद जितना भी नंबर आएंगे ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है? ठीक है समझ गया समझ गया। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हमारा एक्सेल की लिमिटेशन है, सिस्टम की लिमिटेशन है, और इससे हाईएस्ट कैलकुलेशन के लिए ही प्रम कंप्यूटर का इस्तेमाल आविष्कार हुआ था इंडिया में, प्रम टू, प्रम वन एंड प्रम टू। ये हमारे इंडियन मेड, इंडिया में मेड बनाई गई सुपर कंप्यूटर है। इसका हिस्ट्री पता है सर? नहीं नहीं हिस्ट्री हिस्ट्री नहीं। राजीव गांधी जी गए थे अमेरिका के पास कंप्यूटर के लिए, अमेरिका ने सिक्योरिटी का रीजन देते हुए मना कर दिया, बड़ी बेइज्जती सी महसूस होकर राजीव गांधी वापस आ गए। इंडियन साइंटिस्ट ने पुणे में बुला के हमें फंड कीजिए हम बना देंगे, उनको मिला और उन्होंने 2 साल में बना दिया। ओके समझे? सुपर कंप्यूटर वो परम, उसका नाम रखा परम, और परम वन इंडिया का सुपर कंप्यूटर परम है करंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो कहानी होती रहेगी, राजीव गांधी सोनिया गांधी की कहानी तो बड़ी लंबी है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगला जो ऑप्शन हमारे पास आता है कि अगर आपके पास हाई नंबर डालना है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आप इन्वर्टेड कॉमा डालिए और 32,767 करेक्टर तक डाल सकते हैं, नॉन कैलकुलेटिव नंबर, ठीक है? ये बताया आपने कि इन्वर्टेड कॉमा डाल के आप सिंगल कोटेशन मार्क कर लीजिए या फिर इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, टेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्मेट में आप नंबर को जितना मर्जी तो नहीं, इसकी भी लिमिटेशन है 32,767। ओके 32,767 या नंबर डालें या करेक्टर डालें, एक सेल की लिमिटेशन, एक सेल में 32,767 नंबर ऑफ करेक्टर या नंबर ऑफ नंबर्स स्टोर होता है, बट टेक्स्ट फॉर्मेट में कोई कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा हमारा ना, नॉन कैलकुलेटिव। कैलकुलेशन करते भी है तो वही होगा, जैसे मैंने इसे प्लस वन कर दिया ना, तो अब वही हो जाएगा आपको 15 डिजिट दिखेगा, उसके बाद हो जाएगा 0000, ठीक है? चलिए आगे बढ़े सौभिक जी। यस सर। चलिए अब इसमें आगे हम बढ़ते, जैसे मैंने यहाँ रखा 25,000, तो आप लोग जनरली 1,000 का सेपरेटर यहाँ से लगा देते। मैं चाहता हूं कि मेरा अमाउंट इन 1,000 में ही दिखे, तो कस्टम पे हम यहां आते हैं और यहां देते हैं हैश या जीरो एंड कॉमा, क्या हैश कॉमा बस ना, हैश टैग ठीक है सर, कॉमा या जीरो कॉमा कर दीजिए। अब मैं चाहता हूँ इसके आगे के या थाउजेंड कुछ ऐसा वर्ड लिखना, तो इन्वर्टर कॉमा में लिख दीजिए। ये आपको दिख रहा है 25K, बट है एक्चुअली 25,000। अगर मैं यहाँ पे 1 और इन दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन करूंगा तो 26K रिजल्ट आएगा।
सर वो 25K पे एक बार फिर से जाइए सर। क्या है बताइए, क्या दिक्कत है? ये कॉमा के आप लिख रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली 1000 ले लेगा। देखिए देखिए, के अलग चीज है, इसको भी हटा दीजिए। आप अगर हैश और कॉमा लिखते हैं तो आपका नंबर 1000 में कन्वर्ट होके शो होगा। विजुअलिटी ओरिजिनल 1000 ही रहेगा, नंबर जो टाइप किया वही रहेगा, उसके विजुअल 1000 में दिखेगा। जैसे कि 25000 है तो 25 दिखेगा, 50000 है तो 50000 दिखेगा, 1 लाख है तो 100000 दिखेगा, 100 दिखेगा। ओके ओके, अब आप चाहते हैं कि इसके पीछे या आगे कोई वर्ड देना, जैसे कि के 1000 इस तरह का, तो इनवर्टेड कॉमा के अंदर में जो टाइप करना चाहे वो कर सकते हैं। ओके, इसका नॉर्मल कैलकुलेशन हो जाएगा। मैं क्या पूछ रहा हूँ, एक चीज अभी लास्ट में दिखाना तो कैसा करेंगे? लास्ट में क्या, पहले दिखाना है? नहीं, लैक्स में दिखाना, जैसे ही आपने 1000 में दिखाया। लैक्स के लिए सिस्टम इसमें नहीं है, ठीक है? हालांकि करोड़ मिलियंस, देखिए ये यूएस पे चलता है, यूएस सिस्टम चलता है। मिलियंस के लिए है, मिलियंस के लिए हाँ है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर डालता हूँ आपके सामने डाला, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि कस्टम में हमने यहाँ दिया 0.00 एंड डबल कॉमा, ये देखिए 2,60,00,000। ओके, मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ तो ये देखिए 25,96,00,000। नहीं सर जाइए, ये मिलियन है या बिलियन है? दहाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख सर, ये टू, ये पॉइंट टू, ये मतलब ये 25 मिलियन है। 25,96,03,225 सर, ये टू बिलियन है सर। हाँ, टेन पे करता है, वन काउंट करता है। अभी क्या है आपका 2,59,000, 2,05,00,000 नहीं सर 25 लाख, अब जाके ये 2 मिलियन है। जी 2 मिलियन, हाँ 2,60,00,000। फिर से बताइए सर कैसे आया ये? हमने इसके लिए सिंपल सा किया 0.00 और डबल कॉमा। अच्छा, और 1000 के लिए किया था हमने 0 कॉमा, हैशटैग कॉमा, सॉरी हैशटैग जीरो, हैश डालिए चाहे जीरो डालिए फर्क नहीं पड़ता, हैश जीरो का मतलब बताया था ना वही है। हां, अपने हिसाब से रिप्लेस कर सकते हैं। इस पे भी फिर हम 0.00 की जगह हैशटैग डॉट हैशटैग डाल सकते हैं। जी ओके, अब चलिए हम डेट्स को समझते हैं। हाँ, डेट्स एक्सेल के अंदर जो डेट होता है, जैसे आपने कोई डेट टाइप किया, कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन कर दिया, राइट, तो आज का डेट आ गया। अब इसको अपने हिसाब से फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिएगा, मैं यहाँ पे अपने डेट्स के फॉर्मेट अप्लाई कर रहा हूँ और इसका रिजल्ट जो है यहाँ आए। मैं कस्टम पे गया, देखिए यहाँ होता है डी से होता है डे, हमने एक डी डाला तो यहाँ 19 दिख रहा है, अगर मैं दो डी डालूंगा तो फिर भी 19 ही दिखेगा, लेकिन अगर 9 होगा तो 09 दिखेगा। मतलब कि सिंगल डी डालते हैं तो डे आता है 1, 2, 3 के फॉर्मेट में, डबल डी डालते हैं तो डे आता है 0, 1, 2 के फॉर्मेट। अगर तीन बार डी डालते हैं तो संडे मंडे ट्यूजडे आपको दिखेगा शॉर्ट फॉर्म, ठीक है? अगर चार बार उससे ज्यादा बार डालते हैं तो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे इस तरह के फुल में दिखेगा। सेम मंथ में है, अगर आप एम करते हैं तो महीना दिखेगा 1, 2, 3 के फॉर्मेट में। अगर मैं दो बार करूं 0 एम तो क्या होगा, 0, 1, 2 के फॉर्मेट में दिखेगा, यहाँ दिख रहा होगा 5 आपको 0, 5। तीन बार करूंगा, सॉरी तीन बार अगर मैं एम करता हूँ तो संडे मंडे जैन फैम मैप आएगा आपको शॉर्ट फॉर्मेट में, मंथ नेम शॉर्ट फॉर्मेट में आएगा। अगर मैंने 4 टाइम डाला तो संडे मंडे जनवरी फरवरी पूरा फुल फॉर्म में आएगा। अब मैं क्या है कि सिंगल फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म एंड फुल फॉर्म दोनों सेम ही है, 3 डिजिट ही है, इसलिए मैं दिखा रहा। अगर जून होता तो जून पूरा दिखाता,
जुलाई जनवरी पूरा दिखाता। अगर फाइव टाइम एम डालते हैं तो मंथ का फर्स्ट लेटर दिखेगा, मंथ का फर्स्ट लेटर। ओके, अब फाइव फाइव टाइम से ऊपर डालिए तो पूरा मंथ देखे। टाइम के ऊपर क्या बोला आपने? एक तो पहले बार में सिंपल वो दिखाएगा आपका मंथ के हिसाब से, दो बार वो समझ गया, तीसरे वाले में आपका शॉर्ट फॉर्म में, चौथे वाले में पूरा दिखेगा, पांचवे वाले में क्या बताया आपने? सिर्फ मंथ का फर्स्ट लेटर, जैन का जे, फैफ का एफ, मार्क का एन। ओके, और पांच से ऊपर डालेंगे तो वापस जैन फैफ पूरा दिखाएगा, जनवरी फरवरी पूरा दिखाएगा। अच्छा, और उसके बाद ईयर वाई होता है ईयर के। अब इसको अपने हिसाब से जिस फॉर्मेट में करना चाहे कर सकते हैं, जैसे मर्जी अरेंज करना चाहे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ट्रिपल डी किया, कॉमा डी डी डैश एमएमएम और कॉमा वाई वाई। देखिए हमने डाला इस तरह का डेट दिखेगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से एमएम डीडी वाई वाई को जैसे मर्जी वैसे रख सकते हैं, जैसे रखेंगे उसी तरह का डेट आपको दिखेगा, समझ गए? ठीक है, अब बात करते हैं टाइम की। अगर टाइम डालते 10:20 and 30 seconds, अब मैं यहां पे HH/MM/SS आवर के लिए होता है, M मिनट के लिए होता है, S सेकंड के लिए होता है, और फिर AM/PM डालना है तो AM/PM कर दीजिए, AM/, ठीक है। AM/ अभी 23 डालिए, 23 साल। क्या 23 मतलब? मतलब ये 10, आपने 10:20 डाला ना, तो 20 या 23 डाला। अच्छा, आपने जैसे फॉर्मेट बनाया उसका। तो ये एम पी एम कैसे पकड़ता है आपका? 12 बजे से ऊपर 12 बजे से नीचे सिस्टम सेट है। मतलब जैसे आपने 24 डाला तो पीएम पकड़ लिया उसने, वो फिर 10 के अंदर डाला तो एएम पकड़ लिया। सर देखिए यहाँ पे अगर आप मान लीजिए कि मैं 2 बजे डाला तो 2 बजे सिस्टम से ये एएम पकड़ेगा ना ऑटोमेटिकली। अगर मैं 14 डालूंगा तब तो वो पकड़ेगा 2 बजे। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है जी। ये थी हमारे, आपको मैंने कल आर्टिकल भेजा था कोई? नहीं। तो आपको आज मैं एक आर्टिकल दे रहा हूं, आगे जो है वो चीज जो पढ़नी है उसके लिए आपको एक आर्टिकल देखना बेटर रहेगा। तो एक ये आर्टिकल मेरी नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट की है। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट की एक आर्टिकल दे रहे हैं पढ़ने के लिए, कस्टम फॉर्मेटिंग के लिए से रिलेटेड, उसको एक बार आप लोग थोड़ा सा स्टडी कर लें, फिर हम बात करेंगे एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में। ये आपका जो था इससे भी एडवांस चीज़ें हम बात करेंगे, यूटिलाइजेशन बोला कैसे यूटिलाइज करेंगे, क्या बेनिफिट है इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन वो एक बार आप आर्टिकल को पढ़ लें उसके बाद, जो कि मैंने अभी आपको व्हाट्सअप किया है, और जो आज जो चीज़ें हमने बताई है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए।